तेरह हफ्ते का एक रियलिटी शो है। पिछले चार सालों में मैंने तकरीबन 18-20 के जी वेट गेन किए। शादी से पहले थोड़ी बहुत जो मेरा वर्कआउट था या एक्सरसाइज थी, थोड़ी बहुत दिन की रूटीन कुछ ऐसी है कि सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे मैं उठ जाता हूँ, फिर सारा दिन जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा डाइन आउट करना, जिसकी वजह से मुसलसल मेरा वेट ज़्यादा होता जा रहा है। कभार कोई बहुत दिनों बाद मिले तो वो एकदम हैरत हो जाता है कि मेरा निकनेम बीजे है, तो एकदम कहते हो बीजे ये क्या हो गया तुम्हें। फैमिली में टेंडेंसी है हमारी ओवरवेट होने की। बाहर खाना मेरा बहुत ज़्यादा चलता है, इस तरह के लंच जो है वो नॉर्मली हफ्ते में या दो हफ्ते में सिर्फ एक बार घर पे होता है। नॉर्मली जब 1-1.5 बजे से टाइम ज़्यादा हो जाए और 3-4 बजे के दरमियान में चला जाए तो फिर हम लंच हमारा KFC में ही होता है। चाय मैं बहुत पीता हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी घर में होती है क्योंकि ऑफिस में जब होता हूँ तो चाय का लफ्ज़ बोला जाता है और 1 मिनट के अंदर अंदर चाय आ जाती है। चाय की जो है एडिक्शन वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे वाइफ समेत घर वाले सारे कहते हैं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे इसे कम करना चाहिए, तो कोशिश करता हूँ, सोचने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ आगे करता नहीं। जब मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने गया हूँ तो उनके कंप्यूटर पर मेरी पिछले 3 साल पुरानी तस्वीर आ गई थी, और जब उन्होंने मेरी नई तस्वीर उतारी तो वो तस्वीरें दोनों मॉनिटर पे मेरे सामने थी, और चेहरे का ऐसा फ़र्क था, इतना हैवी हो गया मेरा चेहरा कि मतलब 3 सालों में मुझ में इतनी चेंज आ गई है कि मेरा चेहरा इतना ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में कभी मेरा इससे पाला ना पड़े। मेरा नाम डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज है, कर रही हूँ एज अ डाइट करेक्शन स्पेशलिस्ट, जिसमें मैं डाइट को वेट रिडक्शन के साथ डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी बताती हूं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका एक दिन का डाइटरी रूटीन क्या है और आप किस वक्त और क्या कुछ खाते हैं, ये मुझे बताइए। उठता हूँ मैं तकरीबन 8 बजे के करीब, और ब्रेकफास्ट कोई आधे पौने घंटे बाद हो जाता है। चाय होती है, टोस्ट होता है और जैम हो गया, चीज़ हो गई। और क्या लंच आप लेते हैं? उसमें KFC नॉर्मली चलता है, हफ्ते में 3 मरतबा तो KFC हो जाता है। डिनर कुछ भी घर में जो बना होता है जी, हाँ नॉर्मली, जी नॉर्मली करके ही होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं आपकी रूटीन के अंदर जो आपको या तो वेट गेन कराएंगे या आपका वेट रिडक्शन को रेजिस्ट करेंगे? ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी आपको ऑप्शंस चाहिए, राइस एंड चीज, जैम नहीं खाना, सीरियल आप ले सकते हैं एक। लंच में अवॉइड रोटी, चाइनीज फूड ठीक है आपके लिए, अगेन माइनस द राइस पार्ट ऑफ इट, बारबेक्यू इज ओके। अगर 5 दिन आप घर का खाना खा रहे हैं तो 2 डेज अ वीक जंक फूड इज अलाउड, एंड टी शुड ऑलवेज बी टेकन विद शुगर, बिकॉज व्हेन यू टेक टी विदाउट शुगर तो आपका रीसेंट मेमोरी लॉस होता है। नाश्ता मैं नहीं करता। पानी ठंडा पी रहे? पानी ठंडा पी। पानी आप ले रहे हैं मील्स के साथ? बीयर के साथ, हाँ। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं अगर पानी साथ ना पीऊँ तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता। आपने पानी 8 से 10 ग्लास से ऊपर नहीं जाना। दूसरी बात यह है कि आप पानी ठंडा नहीं पी सकते। आप पानी ठंडा पी रहे हैं, आपको रूम टेम्परेचर पे पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी, तो ही आपका वेट उतरेगा और फिर मेंटेन भी रहेगा ना। योर ब्रेकफास्ट शुड बी विद इन हाफ एन आवर ऑफ योर गेटिंग, यानी जितना जल्दी आप लेंगे उतना ज़्यादा उसका फायदा होगा। लंच पे प्रॉब्लम है, लंच आपको कम, लंच पे आप ये करें कि आप ये 2 के बजाय ना 1/2 to 1 रोटी पिलाएं पहले। डिनर में आप राइस नहीं लेंगे, रोटी सालन आप आराम से खा सकते हैं, और योगर्ट या लस्सी जो लेना चाहते हैं, दही का रायता या दही के पुदीने की चटनी आपके लिए बहुत अच्छी है ना। एक्सरसाइज डेफिनेटली एटलीस्ट 30 मिनट्स to 1 आवर नीड एक्सरसाइज बर्न करने के लिए क्या था, ये आपको हेल्प करेगा स्कैलिंग को बर्न करने के लिए। ब्रेकफास्ट में नहीं करता। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट आप लिए बगैर वेट लूज नहीं कर सकते। मैं हर मील में कम से कम 3-4 ऑप्शंस देती हूँ, एंड यू आर सपोज टू ऑल्टरनेट दोज ऑप्शंस। आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? आप ऑमलेट लेंगे 1 से 2 अंडों का, सेकेंड अगेन चॉइस इज कबाब्स। लंच में अब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, बिकॉज लंच इज द टाइम वट एवर वी ईट इट यूज टू डिपॉजिट ऑन आवर बॉडी एंड वी गेन वेट। 2-3 छलियाँ खा लें, उससे सेटिस्फाई करें अपने आप को। चने और बीन्स वगैरह आपके लिए बहुत अच्छे हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं वेट रिडक्शन में। जिस
जितना आप जाएंगे ग्रेन्स की तरफ, चनों की तरफ और बीन्स की तरफ, कॉर्न की तरफ, उतना आपको फायदा। ब्रेकफास्ट में एग। और क्या लंच आप लेते हैं? कभी बर्गर्स हो गए। डिनर में ऐसे होते चावल, मतलब जो जैसे घर में जो भी बन जाए। बॉइल्ड राइस को प्रेफर करती हूँ। हाँ बॉइल्ड राइस होते। मीठा मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, लेकिन स्पेशली आफ्टर योर डिनर। आपने सारी मीठी चीजों को खाने से एक घंटा पहले और खाने के 3.5 घंटे बाद खाना, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्गर खाया साथ पेप्सी पी ली, इसलिए मोटे होते हैं। प्रॉब्ली जंक फूड इतना मोटा नहीं कर रही जितने गलत कॉम्बिनेशन होते हैं। लंच पे आप ले लें कोई भी हाई प्रोटीन डाइट, कबाब शबाब खा लें, टिक्का खा लें विद सैलेड चाहिए, अगेन नो नान एंड नो रोटी। नो व्हेनेवर यू वांट टू टेक फूड्स, कंबाइन फूड्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3, दीज आर 3 फूड ग्रुप्स, टेक वन फ्रूट फ्रॉम हेयर, वन फ्रॉम हेयर एंड वन फ्रॉम हेयर एंड टेक देम ऑल टुगेदर, बिकॉज इनके एंटीडोट्स इन एक दूसरे ग्रुप्स के। सपोज मैंगो लिया, उसके बाद आप यहाँ से कुछ खा लेंगे तो मैंगो को ये ग्रुप न्यूटिलाइज कर देगा। आप रेगुलर फूड पे जाएं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको नेचुरल फूड्स की तरफ लाऊं, ताकि जितना ज़्यादा मैं आपको नेचुरल फूड पे लाऊंगी उतना जल्दी मैं आपके सिस्टम की करेक्शन कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं आपको लो कैलोरी और ये सारा कुछ कंट्रोल करवा के वेट को करवा सकती हूँ, बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबाउंड ऑबेसिटी।